शोबा खिदमत आमा। जनाब हनीफ तैयब 19 नवंबर 1947 को जूनागढ़ भारत में पैदा हुए। आपने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से इस्लामियात में मास्टर्स और फेडरल उर्दू लॉ कॉलेज से LLB की डिग्री हासिल की। आप अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के बानी और चेयरमैन हैं, जिसकी बुनियाद 1983 में रखी गई। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी ने 2005 के जलजले और 2010, 2011 और 2012 के सैलाब के दौरान हैरत अंगेज खिदमात पेश की। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी अपने 40 अस्पतालों और क्लिनिक्स, 15 स्कूलों और यतीम खानों और 47 मस्जिदों और मदारस, 4 हुनरमंदी के मराकज़, पूरे मुल्क में आंखों की मुफ्त सर्जरी के कैंपों, पाकिस्तान के दूर अफ्तादा गाँवों में सर्जरी के मुफ्त कैंपों और दीगर कई मनसूबा जात के जरिए रोज़ाना हज़ारों लोगों की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। आपकी समाजी खिदमात के एतराफ़ में कराची यूनिवर्सिटी ने आपको डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की आज़ादी डिग्री से नवाजा है। आपने मशहूर और मरूफ आल पाकिस्तान मेमन फाउंडेशन के इस्तेकाम में भी अहम किरदार अदा किया। 1975, 1977, 1985 के जनरल इलेक्शन में आपको कराची में कौमी असम्बली का रुकन मुंतखब किया गया और आप 1985 से 1988 के दौरान लेबर, अफरादी कुवत और समंदर पार पाकिस्तानी, पेट्रोलियम और कुदरती वसाइल और हाउसिंग एंड वर्क्स और माहौलियाती उमूर के वफाकी वजीर भी रह चुके हैं। आप 1992 में वजीर इब्राहिम मजहबी उमूर की जानब से पाकिस्तान को एक इस्लामी फलाही रियासत बनाने और बैन अलमुसलमिन इतिहाद के लिए तश्कील दी जाने वाली कमेटी के रुकन भी थे। समाजी खिदमात के शोबे में आपको आपकी गैर मामूली खिदमात के एतराफ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब मोहम्मद हनीफ तैयब को तमगा इम्तियाज का एजाज अर्ज किया।